सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्ट्रेट लाइफ में आज हम ईंट बनाएंगे और आज हम असमानांतर रेखाओं पर बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था उसमें ईंट हमने समानांतर रेखाओं पर बनाया था और इस बार हम थोड़ा उसमें एंगल पे बनाएंगे कि एक दो नंबर पे जो बच्चा बैठता है स्ट्रेट लाइफ में बनाने के लिए वो बच्चे को कैसे दिखेगा ईंट। तो हमने जैसे लास्ट टाइम में आपको पता है हमने इसमें एक बेसिक लाइन लगाई थी, इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे आपने हल्की लाइन लगानी है और फ्री हैंड आपने लाइन लगानी है। जैसे आप जिधर को भी चाहो आप ईंट बना सकते हैं, जैसे लंबी पोर्शन हम इधर को बना लेते हैं, छोटा पोर्शन हम इधर को बना लेते हैं। यदि आपने लंबा पोर्शन इधर को बनाना तो आप छोटा पोर्शन इधर को, जैसे भी आप चाहो बनाना। जैसे मैं यहाँ से इस तरह बनाना चाहूँगा ऐसे, ये हम इधर को लंबाई भी हमने ईंट इधर को बना दिया है ऐसे। यहाँ से हमने जो उसका ब्रेथ है वो हम इधर को ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच देंगे। यहाँ से हमने इसकी मोटाई जो है वो लेनी है यहाँ से ईंट की ऐसे, तो जितनी हमने यहाँ मोटाई ले रखी है उतनी मोटाई हम यहाँ पे भी बिल्कुल 90 डिग्री में ऐसे सीध में ले लेंगे। यहाँ पे भी हमने इसी तरह से ऐसे सीध में हमने इसकी मोटाई ले लेनी है और हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देते हैं इस तरह से, और इसी के समानांतर हमने यहाँ से भी ऐसे हमने रेखा खींचनी है और इधर को इस तरह से अपने ईंट को ड्रॉ करना है। और अब हम इसमें करेंगे शेडिंग। आपने इस तरह से एक रफ कागज या आपने रफ कपड़ा रखना है और हल्के हाथ से आपने इसमें शेडिंग करनी है इस तरह से। ये हमारी जो है बी पेंसिल है और सबसे हल्की ये पेंसिल होती है शेडिंग के लिए। चलो आपके पास नहीं है तो आप HB पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हैं अभी हल्की से।
तरह से आपने इसको आसानी से बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।